हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये लेटेस्ट नेक और डिजाइनर बैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिंपल तरीके से कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट सबसे पहले हम लाइनिंग वाले कपड़े पर कट कर लेते हैं। तो ये हमने लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो किनारी वाला पार्ट होता है ये इस साइड से खड़ा कपड़ा होता है, तो इस साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11 इंच। तो 11 इंच तक हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर फोल्ड करेंगे तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बराबर से इसे फोल्ड कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट डालेंगे। तो ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिलाई मार्जिन ऊपर की तरफ हम पहले ही छोड़ देते हैं। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हम रख रहे हैं 13 इंच, तो इसमें 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है इसलिए हम बॉटम साइड में 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारे पास है 14 इंच, 14 का 1/2 हो गया 7 इंच। तो यहां पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हम बूट नेक बना रहे हैं इसलिए हम शोल्डर का 1/2 ही लेंगे। तो 7 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहाँ से 7 इंच पर इस तरह से बराबर से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरह से हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरफ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से और यहां से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिन के लिए निशान लगा देते हैं। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं हो तो हाथ से इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ले। अब हम वेस्ट पर निशान लगा लेते हैं। तो कमर हमारे पास है 30 इंच, तो 30 का 4/4 हो गया 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंची की बैक साइड में डार्ट आएगी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देते हैं इस तरह से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से। अब हम नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो हम ये बूट नेक बना रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले हम जो शोल्डर पट्टी है उसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर पट्टी हम 2 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो जितनी भी आप शोल्डर पट्टी रखें उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें। 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा हो गया है नेक और यहां से हम नेक की गहराई हम ले रहे हैं 4 इंच। अब यहां से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहां से हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बैक नेक में एक डिजाइन और बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहां से इस नेक से हम 3 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहां से हम 3 इंच पर इस तरह से एक और निशान लगाएंगे और यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब यहां पर नीचे की तरफ भी हम यहां पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अब ऊपर वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मिला देते हैं और कॉर्नर पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ये हमने बैक नेक के लिए एक शेप और ड्रॉ कर ली है। अब यहां पर हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाते हैं। तो 1/2 इंच हम शोल्डर स्लोप रखेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है 0.25 इंच पर। अब यहां से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं तिरछी। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहां से हम इसे कट नहीं करेंगे, इससे पहले हम यहां पर बैक साइड में जो डार्ट आती है उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहां से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए जो लाइन है वो हमने जो नेक के लिए डिजाइन बनाई है उसके बिल्कुल पास में हो गई। तो थोड़ा सा इससे 1/2 इंच हम दूर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। हमने लाइन ड्रॉ की।
अब दोनों तरफ आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम बैक साइड की जो डार्ट है उसके लिए निशान लगा लेते हैं। अब इस पर हम इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग वाले निशान पर भी हम इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं। अब यहां से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर इस निशान पर इस तरह से थपथपा देते हैं, जिससे कि दूसरे साइड भी निशान चले जाएंगे। अब इन्हें हम डार्क कर लेते हैं, फिटिंग वाले निशान को भी डार्क कर लेते हैं। अब इसे हम फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर ये जो हमारी दूसरी नेक की डिजाइन है इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहां पर ये कपड़ा कम पड़ रहा है इसमें नीचे की तरफ, तो हम दूसरा लाइनिंग का कपड़ा ले लेते हैं। प्रिंसेस कट है इसलिए इसमें फ्रंट पार्ट ज्यादा चाहिए हमें, तो इस तरह से हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है लाइनिंग के लिए। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो इसे हम 13 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से, 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट से, क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं। तो हमने 13 इंच पर इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो प्रिंसेस कट में हम फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से ऊपर की तरफ आधा इंच ज्यादा लेते हैं। तो इस तरह से हमने पहले निशान लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को इस लाइन से नीचे की तरफ इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। इसे अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे की तरफ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा फ्रंट पार्ट के लिए। तो 1 इंच नीचे हमने इस तरह से निशान लगाया, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हम आधा इंच और नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहां पर आर्म होल की लाइन है, इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है इससे ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहां से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो आर्म होल है इसकी शेप बैक पार्ट की जो है इसके बराबर से हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं इस लाइन तक। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हम 0.75 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया 0.75 इंच पर। अब इसे उठाकर हम इस तरह से इस दूसरे निशान पर रखेंगे इस लाइन को, इस तरह से मिला के रखेंगे। और यहां से अब हम जो आर्म होल की शेप रह गई है इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं बराबर से। तो इस तरह से ये हमने शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस बैक पार्ट को हम यहां से हटा देते हैं और यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब यहां पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 9 इंच पर हमने निशान लगाया, 0.75 इंच यहां पर कपड़ा कट हो जाएगा। तो 0.75 इंच यहां से हमने निशान लगाया और यहां से दोनों साइड से आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो आधा इंच और हम निशान लगा लेते हैं आगे की तरफ और यहां से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई यहां पर। तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है क्योंकि सिलाई में दब जाता है। हम यहां पर कट लगाएंगे आर्म होल की तरफ, इसमें सिलाई में दब जाएगा कपड़ा, तो इसलिए हमने यहां पर एक्स्ट्रा लिया है। अब यहां पर हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th हो गया 9, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हो गया 10। तो 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट के लिए। इस तरह से बराबर से हम 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहां से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की। अब चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.6 इंच। तो यहां पर हम 3.6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर वाली लाइन पर भी 3.6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी डार्ट के लिए लाइन हो गई है। अब यहां पर हम जो ऊपर हमने आर्म होल की तरफ निशान लगाए हैं, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर इस पॉइंट से हम इसे मिला देते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से इस तरह से कर्व बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम वेस्ट में जो डार्ट आएगी उसके लिए मेजरमेंट निकाल लेते हैं। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच और वेस्ट हमारे पास है 30 इंच, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 6 इंच। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 इंच। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.5 इंच। 3.5 इंच की हमें डार्ट लेनी है, 1 इंच बैक साइड में चली जाएगी डार्ट हमारी, तो ये हो गया 2.5 इंच।
तो 2.5 इंच की हमें डार्ट देनी है, जिसमें से हमारे पास 0.75 इंच की डार्ट हमारी आर्म होल में चली जाएगी यहाँ पर। तो अब हमारे पास बच गई है 1.75 इंच की हमें डार्ट देनी है वेस्ट में। तो लगभग 2 इंच की हम डार्ट दे लेते हैं। तो इस तरह से डार्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम 2 इंच की डार्ट देंगे, तो इस लाइन से दोनों तरफ हम एक एक इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड एक एक इंच पर निशान लगाया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डार्ट के लिए। आप चाहें तो सीधी लाइन ड्रॉ करके उसे हल्का सा कर्व देते हुए भी यहाँ पर डार्ट की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो इतना इतना कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, तो 2 इंच में 2 पॉइंट अधिक, इतना हमारे पास यहाँ पर ये मेजरमेंट आया है। तो यहाँ से इंच टेप को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इस पॉइंट पर, और 7.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब हम डार्ट स्टिच कर लेंगे तो हमारे पास बराबर से वेस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरीका है हमारे पास वेस्ट के लिए निशान लगाने का। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। अब देखिए हम फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देते हैं और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से। तो इस तरह से हमारी डार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो नेक की गहराई हम रखेंगे 4 इंच, 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहां से हम इस तरह से बॉक्स वाली शेप ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट नेक की शेप भी ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप के लिए भी निशान लगा देते हैं 1/2 इंच पर इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो बैक पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे, इस तरह से रखना है। अब देखिए जब ये दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट के स्टिच होंगे तो यहाँ पर इतना इतना कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा, दोनों पीस में इतना कपड़ा सिलाई में दब जाएगा। तो इन दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक इतना हम उठा के रखेंगे जितना सिलाई में दब जाएगा। और उसके बाद में हम यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, और इतना कपड़ा हम छांट देंगे यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल हमें ज़्यादा कट करना पड़ता है बैक आर्म होल से, कि हमने निशान लगाया यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फिर से इस तरह से बराबर से रखेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल बराबर से कट हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कपड़े को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। अब हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव लेंथ हम रख रहे हैं 10 इंच, तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हम कैप हाइट के लिए निशान लगाएंगे। तो कैप हाइट हम किस तरह से निकालते हैं, चेस्ट 36 इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 3 इंच। तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है तो जो खुला साइड है उस साइड से हम कैप हाइट के लिए मार्किंग करते हैं। तो इस लाइन से हम 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई कैप हाइट। तो इतना हमें अंदर की तरफ लेना है। अब देखिए यहाँ से हम
निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा 7 इंच पर। अब यहाँ से हम इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। अब देखिए जो बैक पार्ट है उसमें हम आर्म होल मेजर करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ से हम इन स्टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसके आर्म होल को हम मेजर कर लेते हैं। तो इसका आर्म होल है लगभग 8 इंच आ रहा है। तो इसका आर्म होल हम मेजर करेंगे स्लीव का, तो ये 8 इंच से थोड़ा कम है। तो इसके लिए हम आर्म होल को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब हम इसे मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बराबर से 8 इंच। तो इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। देखिए हमने मार्किंग कर ली यहाँ पर और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम बाद में जोड़ लेंगे जो साइड से कपड़ा निकलेगा वो। स्लीव राउंड हमारे पास है 6 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देते हैं और मार्जिन वाले निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाद में हम कपड़ा जोड़ेंगे तो इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो बैक आर्म होल है उससे हम इसे कट करेंगे। हमने बैक आर्म होल से कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से कट्स लगा देते हैं सेंटर पॉइंट पे इस तरह से। अब हम इसे खोलेंगे दोनों स्लीव को इस तरह से और यहाँ से अब हम फ्रंट आर्म होल छांट लेते हैं। इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे जिससे कि हमें ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब हम जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पाइपिंग पहले से लगी हुई है मेन फैब्रिक पर, तो यहाँ से हम सबसे पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे बराबर से पकड़ेंगे और जो हमने कट किया है लाइनिंग वाला कपड़ा उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखेंगे बराबर से, इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे मेन फैब्रिक का। और जो कपड़ा कम पड़ रहा है मेन फैब्रिक का साइड से, उसमें हम बाद में जो कपड़ा निकलेगा साइड से उसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर ली है स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं दोनों। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो उल्टा साइड है कपड़े का उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि उल्टा साइड है, जो हमें बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो कि सीधा किधर से है उल्टा किधर से है। तो अब यहाँ पर ये जो किनारी है कपड़े की, तो ये खड़ा कपड़ा है, तो इस साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस खड़े कपड़े से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और बैक पार्ट को अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखेंगे और यहां से अब हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे मैन फैब्रिक। बाद में हम इसको ट्रिम कर लेंगे जो एक्स्ट्रा रहेगा ज्वाइंट करने के बाद में। तो नेक हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है इसे। अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर बराबर से पिनअप कर लेते हैं इसे, जिससे कि एक जगह सेट रहे, इधर उधर हिले नहीं और बराबर से इसकी कटिंग हो जाए। जो मेन फैब्रिक होता है उसको हम लाइनिंग के कपड़े से हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं जिससे कि सिलाई लगाते समय थोड़ा इधर उधर हो तो सेट हो जाता है ये। अब हम जो साइड में जो साइड का पार्ट है इसका प्रिंसेस कट का, उसके लिए भी कट कर लेते हैं मेन फैब्रिक। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के भी 2 पीस कट करने होंगे। तो इस तरह से ये हमने 1 पीस कट कर लिया यहाँ पर। तो इसी तरह से हम एक और पीस कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रंट हमने दोनों पीस इस तरह से कट कर लिए हैं और ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया और ये स्लीव्स कट हो गई हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए इसकी स्टिचिंग हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।